हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया और मैं आप सभी का ड्रीम क्लासेस के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको रेलवे ग्रुप डी के कुछ इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि रेलवे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, बगैर समय वेस्ट किए चलिए इन सभी क्वेश्चनों को हम एक एक कर देख लेते हैं और सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आए देखते हैं जो मैंने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वह सचिव वित्त मंत्रालय का। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं जो अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है वह है, तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वह है कर्नाटक। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है वह है, किस देश में टीन का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वह है चीन। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं जो मैंने अगला क्वेश्चन लिखा है वह है, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वह है वाराणसी। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं जो मैंने अगला क्वेश्चन लिखा है वह है, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वह है 21 जून। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है जो है, यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किस राजवंश के राजाओं ने करवाया? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वह है चंदेल वंश के शासकों या राजाओं ने। तो फ्रेंड्स, आइए देखते जो मैंने अगला क्वेश्चन लिखा है वह है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वह 1906 में। फ्रेंड्स, आइए देखते जो मैंने अगला क्वेश्चन लिखा है वह है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है भोपाल। फ्रेंड्स, आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। जो मैंने अगला क्वेश्चन लिखा है वह है, लेह किस नदी के तट पर है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सिंध नदी के तट पर है। फ्रेंड्स, जाते जाते एक क्वेश्चन आपके लिए, वो क्वेश्चन है, मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु कब रखा गया? तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से सेंड कर भेजें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।